फरुखाबाद में अवैध रूप से रोडवेज बस अड्डे के निकट डग्गामार बस में सवारियां भरने से रोकने पर स्कॉर्पियो से आए बस मालिक व साथी दबंगों ने यात्री कर अधिकारी का गला दबाकर उनके साथ जमकर मारपीट कर दी। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर आ गई। पुलिस ने स्कॉर्पियो सहित दो को कब्जे में ले लिया। परिवहन विभाग के यात्री कर अधिकारी बीके आनंद रोडवेज बस अड्डे पर डग्गामार बस में सवारियां भरे जाने की सूचना पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक डग्गामार सवारियां भरते हुए मिली। यात्री कर अधिकारी को देखकर उसने सवारियां उतार दी, जिसके बाद उन्होंने चालक से बस के कागजात मांगे, लेकिन उसने कागजात दिखाने से इनकार कर दिया। उसकी कार्यवाही के लिए जाने लगे, तभी उसने वाहन स्वामी को फोन कर दिया। वाहन स्वामी स्कॉर्पियो पर सवार होकर आए और पीटीओ की सरकारी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा दी और मारपीट करने लगे और जान से मारने की नीयत से गला दबा दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसी भी बड़ी घटना को दबंग अंजाम नहीं दे पाए। वहीं पूरी घटना के बाद दबंग के कुछ गुर्गे कोतवाली सदर में रिपोर्ट दर्ज करवाने गए। पीटीओ के साथ कोतवाली तक पहुंच गए और तहरीर लिख रहे पीटीओ के सामने कुर्सी पर बैठकर लगातार दबाव बनाने की कोशिश में लग रहे। जानकारी के मुताबिक मारपीट करने वाले सभी युवक बीजेपी के भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह के बेहद ही नजदीकी हैं। यात्री कर अधिकारी बीके आनंद ने दी गई तहरीर में कहा कि बस स्वामी ने उनका गला दबाया और उनके साथ गाली गलौज कर मारपीट कर दी, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्कॉर्पियो सवार पूर्व जिला पंचायत सदस्य के भाई सहित दो को दबोच लिया। पुलिस ने मौके से स्कॉर्पियो भी जब्त कर ली। हो गया था, किस बात को लेके मारपीट हो गई आपके साथ? मेरे को करीब 9:30 बजे पता लगा कि वहाँ पे रोडवेज पे कई प्राइवेट बसें जो हैं एकदम रोडवेज पे आके सवारी भर रही हैं और मतलब परिवहन निगम की बसों को बाधित कर रही हैं, उनकी सवारियां लेके जा रही हैं। तो मैं फिर आया अपनी टीम के साथ चेकिंग के लिए, तो वहाँ पे एक गाड़ी यही उस समय UP 76 के 2869 ये गाड़ी मौके पे सवारी भर रही थी। नहीं, ये क्या बस थी क्या? ये बस थी। अच्छा। तो ये सवारी भर रही थी, तो मेरे पहुंचते ही उनको पता लग गया, उसने सारी सवारी ताबड़तोड़ उतार दी। ताबड़तोड़ जब सवारी उतार दी तो मैंने उसे कहा कि लाओ पेपर दिखाओ, तो उसने पास पेपर नहीं थे। मैंने कहा ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था और ड्राइवर बड़ा उससे अकड़ के बात कर रहा था। क्या लगा कि नहीं है कुछ? मैंने कहा फिर गाड़ी तुम्हारी बंद हो जाएगी। क्या लगा ऐसे कैसे बंद हो जाएगी? फिर मैंने कहा कि नहीं, गाड़ी लेके चलो, तो गाड़ी लेके चलने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर मैंने गाड़ी में उसके अपने इंटरनेट में पेपर चेक किया तो देखा सारे पेपर फेल थे। इसी बात का उसको डर था कि ये गाड़ी बंद हो जाएगी तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा, तो उसने गाड़ी ले जाने से मना किया। लेकिन फिर भी हम लोगों ने दबाव डाल के किसी तरह से गाड़ी आगे बढ़वाई। गाड़ी आके फिर रुक गई। ठीक है, हमारे दीवान जी का फोन आया, ठीक है, हमारे प्रबंधक सिपाही का, कि गाड़ी इसने फिर रोक दी है, ठीक है, और वहाँ पे बदतमीजी कर रहा है। तो फिर हम गए वापस मौके पे, उसने गाड़ी नहीं बढ़ाई। काफ़ी देर तक वो कहने लगा, कहले मालिक आ जाएंगे तभी गाड़ी बढ़ेगी, नहीं तो गाड़ी नहीं बढ़वा पाओगे। हमने कहा ना बढ़ानी हो तो बताओ, हमको चाबी दे दो, हम ही ले जाएं गाड़ी। लेकिन ना उसने चाबी दी ना उसने गाड़ी बढ़ाई। वो फोन करता रहा, फिर उसने मालिक से बात कराई। क्या लगा मालिक से बात कर लो तो हम ले जाएंगे। कहूँगा नहीं, क्योंकि परिस्थितियां देख के काम करूंगा, ठीक है। बाकी कार्रवाई निरंतर और अनवरत जारी रहेगी, जब तक मैं जनपद में रहूंगा कार्रवाई नहीं रुकेगी। ठीक है, थैंक यू।